बिल्कुल सही कविता। चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। चोर ने चोरी की और महाराज महाराज ने वो चुराई हुई बांसुरी को चालाकी से हत्याने की कोशिश की। मतलब ये भी तो एक तरह से चोरी होती है ना? ये महाराज ऐसे ही हैं। अरे लोग इन्हें इतनी इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, और ये महाराज चोरी का सामान रखता है, दूसरों की जमीन हड़पता है और जरूरत पड़ने पर हत्या भी करवा सकता है। मुझे तो यह समझ नहीं आता ये पाखंडी महाराज कैसे बन गया। क्या कहा आपने? यही कि पाखंडी महाराज कैसे बन गया। यही पता कीजिए कि ये महाराज कैसे बन गए। मतलब महाराज का अतीत निकालिए ताकि पता चले कि इनके महाराज होने और इनके चोर होने में क्या संबंध है। भीमराव, तुम एकदम सही कह रहे हो, हम सब मिलकर पता करते हैं। ये पता चल जाएगा महाराज के पाखंड की काट निकल जाएगी। इसके पहले कि कोई हमारी काट ढूंढ कर निकाले, हमें सातारा गांव से भाग जाना चाहिए। किंतु तुरंत अगर हम भाग गए तो पंडित या सेठ को संदेह हो जाएगा कि उस चोरी में हमारी भी हिस्सेदारी होगी। यदि यदि वो सेठ या पंडित हमारे खिलाफ हो गया, ना तो हम इस सातारा गांव से भाग पाएंगे और ना ही किसी और जगह जाकर इस धर्म के धंधे को बसा पाएंगे। इसलिए सर्वज्ञ महाराज, फिर एक बार अपनी वही छवि बना दीजिए जो इस सातारा गांव में आते समय बनाई थी, और एक बार वो बन गया तो हम इस सातारा से चले जाएंगे, ताकि भविष्य में कभी आवश्यकता पड़े तो हम वापस भी आ जाएंगे। इसके बारे में कुछ तो सोचना होगा। प्रणाम महाराज। महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ, दरअसल कल से हमारा मन बहुत ही विचलित हो रहा है। बार बार ये सवाल हमारे मन में आ रहा है कि जिस समाज का व्यक्ति ईश्वर के घर में चोरी करने के लिए पहुंच सकता है, उस समाज का पतन किस हद तक हो चुका है। और इसलिए संपूर्ण शांति के 5 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा को हम सामूहिक हवन पूजा करते हैं। लोगों को जाकर कहिए कि जितना हो सके दान करें, क्योंकि ग्रहों में चंद्रमा शांति का प्रतीक माने जाते हैं और चंद्रमा की पूजा से सब कुछ शांत होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। ठीक है महाराज, हम पूजा आयोजन का प्रबंध करते हैं। और मैं जाकर गांव वालों को सूचित करता हूँ महाराज। और उसी पूजा हवन के अंत में सारा दान वान लेकर, लोगों से इजाजत लेकर हम सातारा छोड़ देंगे। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा हुआ राम जी जो तुम यहाँ आ गए। जहाँ तुम पहले काम करते थे वहाँ भी मैंने पता किया, तुम बहुत कुशल मुंशी हो। धन्यवाद सेठ जी। तो ठीक है, आइए मेरे साथ, सब कुछ समझा देता हूँ और पैसे वैसे की बात कर लेंगे। सेठ जी, पैसे आप जो उचित समझे दे दीजिए, बस आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो।
मैं छोटी जात से हूं। अरे भाई, हम सभी यहाँ छोटी जात के हैं। ये काम अंग्रेजी हुकूमत का है। तालाबी खुदाई काम गरीब लोगों को दिया गया है और जिसका ठेका मेरे नाम पर है। और वैसे भी बड़ी जात के लोग हमारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। सेठ जी, छोटा मोटा काम मुझे भी मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। इनकी तनख्वाह कम पड़ जाती है इसलिए। ठीक है, अंदर चलकर बात करते हैं। आइए। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, आने वाली पूर्णिमा के दिन महाराज ने एक भव्य पूजा का आयोजन किया है। सातारा की शांति के लिए महाराज एक भव्य पूजा कर रहे हैं। आप सब लोग से निवेदन है कि आप दिल खोल कर दान दीजिए और सतारा की शांति के लिए होने वाली पूजा में पुण्य के भागीदार बने। पुण्य का लाभ मिलेगा और उसी दिन महाराज की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, सातारा की शांति के लिए महाराज ने एक भव्य पूजा का आयोजन किया है। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, सब लोग दिल खोल कर दान दीजिए, सातारा की शांति की पूजा में भाग लीजिए। भीमराव, मतलब 5 दिन बाद पूर्णिमा के दिन महाराज यहाँ से भागने की योजना बना रहे हैं। मतलब हमारे पास सिर्फ 5 दिन का ही समय है, नहीं तो हम महाराज को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भैया कहकर गए थे कि वहाँ जाने के बाद वो व्यवस्था करेंगे और हमें वहाँ बुला लेंगे। और देखो, महाराज भी यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद ये एक संयोग ही हो सकता है। लेकिन ये संयोग नहीं है, बल्कि महाराज डर कर यहाँ से भाग रहे हैं। पूर्णिमा के दिन या तो हम सबकी बहुत बड़ी जीत होगी या फिर जीवन भर पछताने वाली हार। बुआ, खाने में क्या बनाना है? बेटा, भाकरी और ठेचा बना दे। भाकरी नहीं, चावल और दाल। विनायक और दामोदर, लो आ गया तुम्हारी नानी का घर। गंगा जी ने मुझसे कहा कि मैं इन्हें इनके ननिहाल छोड़ दूं। अच्छा, अब मैं चलूं? धन्यवाद, इतने दूर से आए हो, चाय पानी पीकर जाओ। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा वरना घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। धन्यवाद। बेटा, तुम दोनों यहाँ अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना बेटा? बुआ नानी, वह घर में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। हाँ, और दादी को लगता था कि पढ़ाई बेकार काम है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ रहकर ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कोई पढ़ने से मना नहीं करता। अच्छा किया तुम दोनों ने, अब हम सब साथ में पढ़ेंगे। नाना का और नई नानी? बेटा, वो लोग यहाँ से थोड़े दूर रहने चले गए हैं। क्यों? ताकि हम बड़े हो सके, अपना रास्ता खुद से तय कर सके, क्योंकि वही मनुष्य ऊंचाई तक पहुंचता है जो किसी के सहारे से नहीं बल्कि खुद के बल पर आगे बढ़ना जानता है। कबीर ना जर्जरी
हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सरभा बूढ़े तिनी सरभा रटे प्यास प्यास समुदही तिनका करी गिने स्वाति बूंद कियास स्वाति बूंद कियास कल महाराज की पूजा है और अब तक हमारे पास महाराज के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ आनंद भैया। आई बाबा गुरुजी सब एक ही बात कहते थे कि बुरी चीज का नतीजा बुरा ही होता है, लेकिन ये महाराज महाराज का बुरा नहीं हो रहा है। आनंद भीमराव महाराज का ही बुरा होगा, जरूर होगा। कैसे होगा, महाराज के खिलाफ कुछ पता चला क्या? हाँ पुरंजन, महाराज के बारे में सब कुछ पता चल गया। महाराज एक घटिया और नीच इंसान है। काका हमें पूरी तैयारी के साथ रहना होगा क्योंकि ये हमारे पास आखिरी मौका है और इससे हम चूक नहीं सकते। भीमराव ये चिट्ठी तुम्हारे बाबा ने भेजी है। भीम पढ़ बेटा क्या लिखा है भैया ने। भीमराव यहाँ सब कुछ ठीक हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा घर भी मिल गया, लेकिन पहले एक बार तुम और आनंद आकर देख लो, अगर सही लगेगा तो तुम सब आकर यहाँ रहना और जिसके हाथों चिट्ठी भेजी है उसे जवाब में कह देना कि तुम कब आओगे। हमारा घर स्टेशन से बहुत दूर है तो मैं तुम्हें लाने के लिए स्टेशन पर किसी को भेज दूंगा। रुकिए। ठीक है। बाबा कल महाराज ने सातारा की शांति की एक पूजा रखी है और कल ही हमने महाराज को बेनकाब करने की योजना बनाई है। सफल हो या असफल हो कल कोशिश पूरी करेंगे तो कल के बाद परसों हम आएंगे। ये बाबा को दे दीजिएगा। ठीक है भीमराव। और बाबा ने तुम सबके लिए मिठाइयाँ भेजी हैं। ये लो। और भीमराव तुम्हारे लिए ये किताब उपहार में भेजी है तुम्हारे बाबा ने। ठीक है मैं चलता हूँ। धन्यवाद। बाबा आशीर्वाद दीजिए मुझे कि जब मैं आपके पास आऊं तो ये खबर लेकर आऊं कि
सर्वज्ञ महाराज को मैंने सातारा से भगा दिया। सातारा की शांति के लिए ये पूजा आयोजित की गई है और इस पूजा के बाद आप सबके जीवन से सारे बुरे ग्रह बाहर जाएंगे। इसी आस्था के साथ आप सबने जो चढ़ावा लाया है उसे हमारे पास रखिए। जी महाराज। और जब तक ये अग्निकुंड अच्छे से प्रज्वलित ना हो जाए तब तक आप सब अपनी आंखें बंद करके ईश्वर को याद कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वे तुम्हारे घर परिवार वालों की सबकी रक्षा करें, क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही आपने इस यज्ञ में भाग लिया है। अपने परिवार वालों के बारे में सोचिए। महाराज, कभी बताया नहीं, क्या आप उनके बारे में कभी नहीं सोचते? हाँ हाँ बताइए महाराज, तब तक अग्नि भी प्रज्वलित हो जाएगी। आपका घर कहाँ है और कौन कौन है आपके घर में? ए भला क्या बकवास कर रहा है ये? बकवास नहीं है ये, आखिर पूरे गांव को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनके महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, उनका परिवार कैसा था। महाराज के नाम पर इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो जीवन परिचय भी तो पूजा करने वालों को पता होना चाहिए ना। साधुओं का पता पूछा नहीं करते क्या? ये बात तुम्हारे बाप राम जी ने तुम्हें बताई नहीं? गृह त्याग और परिवार की मोह माया से दूर रहना ही साधु होने की सबसे पहली शर्त होती है, और वैराग के बाद साधु का कोई घर परिवार नहीं रहता, कोई संसार नहीं रहता। ये सारा संसार ही साधु का परिवार होता है, और जहां ईश्वर के चरण हो वहीं उसका घर। लेकिन महाराज आप कहीं तो पैदा हुए होंगे ना, मतलब किसी ने तो आपको पैदा किया होगा, उनके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि महाराज अब आप इन लोगों के साधु नहीं हैं, ईश्वर हैं, और ईश्वर के बारे में भक्तों को जानने का पूरा हक है। प्रभु की जन्मभूमि भक्तों के लिए बहुत जरूरी होती है महाराज। याद नहीं है हमें अल्पायु में हमें ये बोध हुआ था कि हम ईश्वर की सेवा के लिए बने हैं, और तब ही हमने हमारा घर परिवार हमारे माँ बाप सबका त्याग कर दिया। यहां तक कि आज हमें याद नहीं है हम पैदा कहां हुए थे, हमारे आई बाबा कौन है। तो फिर ये कौन है महाराज?